तो क्या चैंपियनशिप के झमेले में फंस के जो ब्लड लाइन है वो फाइनली होने वाली है ब्रेक। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो भैया, रोमन के पास तो डबल टाइटल्स थी, लेकिन रीसेंट स्मैकडाउन के शो में उन्होंने उसको भी कहा भैया जाओ यार मंडे नाइट रॉ के अंदर और आरके ब्रो से वो रॉकी टैग टीम टाइटल भी ले आओ। लेकिन रीसेंट हमें एक बड़ी स्पेकुलेशन आई है सामने और बताया जा रहा है कि मे बी ये जो चीज है वो शुरुआत हो सकती है ब्लड लाइन के एंड की। क्या कुछ पूरी रिपोर्ट स्पेकुलेशन आई सामने, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी अरब के इस साल के एक और शो को लेकर कुछ बड़ी न्यूज आ चुकी है सामने, कब होने वाला, किस टाइम होगा, सारी चीजें आ चुकी हैं सामने। साथ में बात करेंगे टोनी खान के बारे में। भैया जनाब, को ये लगता है आप में और दुनिया का कोई और जो प्राणी अगर AEW को हेट करता है वो एक रोबोट है? प्लस बात करेंगे WWE के आने वाले स्मैकडाउन के शो के बारे में, जहां पर फाइनली रिकोशी अपनी चैंपियनशिप को करने वाले डिफेंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शुरू करते पहले वीडियो को WWE के आने वाले मंडे नाइट रॉ एडिशन के साथ में। जो WWE का आने वाला मंडे नाइट रॉ शो होगा वो शायद एक और कमाल का शो हो सकता है। शो के लिए WWE ने ऑलरेडी वी मान का जो मैच है भैया हमारे कंफर्म करके रखा है, लेकिन WWE रीसेंट आमेद अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का जो मैच है वो भी ऑफिशियल करती हुई नजर आती है। और बताया जाता है भैया 5-6 साल के लंबे टाइम पीरियड के बाद फाइनली जो कोडी रोड्स है वो अपना पहला मैच रेसल करेंगे मंडे नाइट रॉ के अंदर और उनका आमना सामना होगा दी एलिस्टर मिस के साथ में। तो भाई ये जो मैच है फॉर श्योर कमाल का होगा। अब मिस वर्सेस कोडी वैसे कोई सेंस तो बनता नहीं है, लेकिन ना कुछ इसमें जो कोडी रोड्स एक बार फिर से अपनी मंडे नाइट के अंदर कर रहे हैं वापसी, जो कि मेरे हिसाब से एक गजब की चीज होने वाली है। अब बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, इस बार ये हमारे AEW के चेयरमैन प्रेसिडेंट फलाना ढिमकाना जो मर्जी कह लो, हाँ भैया टोनी खान के बारे में बात कर रहा हूँ। भाई लॉन्डे को होकर रीसेंट टाइम में पहले को ये जाके चेक करो, मतलब अगर मैं एक इंसान हूँ मैं AEW को हेट करता हूँ तो भैया बन गया रोबोट। होता गया रीसेंट टाइम के अंदर टोनी खान अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू पता नहीं कौन से नशे करके ये बात अनाउंस करते हुए नजर आते हैं कि भैया एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट आई है सामने। और क्या सर्च के अंदर पता लगा कि AEW को जो ट्विटर के ऊपर लोग हैक कह रहा हूं मैं, जो ट्विटर के ऊपर लोग हेट करते हैं ना, मैक्सिमम उनमें से जो लोग हैं वो रोबोट्स हैं, वो फेक लोग हैं जो कि कोई और कंपनी जनरेट करवा रही है। ऑफ कोर्स यहां पर WWE को ताना था कि भैया जो WWE वाले वो AEW के ऊपर हेट फैलाने के लिए ट्विटर के ऊपर जानबूझ के नकली से प्रोफाइल बना रहे हैं, पैसे वगैरह घूस वगैरह दे के और जाके भैया ताकि AEW को हेट मिल सके। लेकिन भाई मैं क्या बताऊं, मतलब कौन से नशे करके ट्वीट किया वो अलग बात थी, लेकिन जो रिसेंट आम सुपरस्टार एकदम जम कर लेते हुए नजर आते टोनी खान की, जो बेकी लिंच है वो भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू सेम यू नो हूबहू टाइप का वैसे ही ट्वीट करती हुई नजर आती है। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां बेकी लिंच कहती है भैया उन्हें भी स्टडी से ये बात पता लगी है, जो लोग वेन्यू के अंदर अरीना के अंदर बेकी लिंच को बू करते हैं वो एक्चुअल में रियल लोग नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए लोग हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे वो नकली लोग बैठे होते हैं वेन्यू के अंदर जो कि बेकी लिंच को बू करते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन भी कहते हैं जो लोग मुझे सोशल मीडिया के ऊपर लगातार हेट वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई भी बंदा मेरे खिलाफ है तो भैया वो भी एक रोबोट है, वो कोई एक्सेस यू नो चलता फिरता इंसान टाइप नहीं है। मतलब भाई किस बंदे ने बना दिया एक खिलौने कंपनी वाले संभालने के ओनर को, इन्होंने रेसलिंग कंपनी का ओनर बना दिया। मैं पहले काफी यू नो तारीफ करता था टोनी खान की, अरे बुद्धिमान है यार, AEW का प्रेसिडेंट है, ऐसा है वैसा है, लेकिन रिसेंट टाइम में जो लड़के ने कांड किया, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं डिस्क्राइब करने के लिए। भाई कौन से वाले सस्ते नशे थे, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जब सॉरी मैं तुम्हें सच्चाई बताना तो भूल ही गया, जितने लोग कमेंट के अंदर लिखेंगे ना कि मैं AEW को हेट करता हूँ, भाई तुम लोग भी रोबोट हो यार, जागो। और मैं क्यों कहता तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं मिलती, तुम इंसान नहीं तुम रोबोट हो। भाई तो आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है WWE के आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एडिशन के बारे में। जो आने वाला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो होगा वहां पर फाइनली WWE ड्रू मैकइंटायर का मैच तो ऑफिशियल करती है। यहां पर जो ड्रू मैकइंटायर है एक बार फिर से उनका आमना सामना सैमी ज़ेन के साथ होगा। रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में इन दोनों का मैच तो हुआ था, लेकिन जो सैमी ज़ेन है एक भगौड़े की तरह भागते हुए नजर आए थे, लेकिन अगले हफ्ते रीमैच होने वाला है और शायद इनके पीछे WWE थोड़ी बहुत रेवलरी वगैरह बिल्ड करने का ट्राई कर रही है। बात करें हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द वन एंड ओनली रिकोशे के बारे में, तो भैया रिकोशे का सीन यहाँ पर ये हो चुका है कि आने वाले स्मैकडाउन के एडिशन में उन्हें अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करनी पड़ेगी। बाय द वे जिन लोगों को ये लगता है भाई WWE ने इस हफ्ते स्मैकडाउन में रिकोशे को बुक नहीं किया, तो ऑलरेडी रिकोशे ने बात कंफर्म की थी WWE से, उन्होंने यू नो पर्सनल वे में कुछ लीव वगैरह ले रखी है, छुट्टी ले रखी है रिसेंटली स्मैकडाउन के शो की। लेकिन जिंदर मार को चाहिए होता IC टाइटल मैच और WWE ये बात कंफर्म करती है कि
जिंदर वर्सेस रिकोशे का जो मैच है वो अगले हफ्ते होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और भैया मैं देखा सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का मानना है कि जिंदर महल न्यू चैंपियन बन जाएंगे। लेट्स सी क्या होता आने वाले स्मैकडाउन की शो के अंदर। आज की जो मेन नेक्स्ट डेट है वो WWE के इस साल के एक और सऊदी अरेबिया के पेपर व्यू के बारे में जुड़ी है। सऊदी अरेबिया कम पैसे छापने वाली मशीन ज्यादा वो WWE के लिए, चलो वो अलग बात है। लेकिन हमने देखा इस साल की शुरुआत के अंदर एलिमिनेशन चेंबर 2022 हुआ, ये भी सऊदी अरेबिया के अंदर हुआ था। बताया जा रहा था कि WWE का मे भी इस साल का TLC 2022 का जो शो है वो भी हमें यहीं पर दिखाई देगा सऊदी अरेबिया के अंदर। लेकिन रिसेंट टाइम में PW Insider जो कि WWE का एक अच्छा खासा ट्रस्टेड सोर्स माना जाता है उसकी तरफ से एक रिपोर्ट आती है सामने, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। और कहते हैं WWE की जो रिटर्न एक बार फिर से सऊदी अरेबिया के अंदर होगी, इसको लेकर कुछ बड़ी न्यूज आई है सामने और बताया होने वाला है कि भैया हेलोवीन के अराउंड होगी, यानी कि या फिर फाइनल वीक ऑफ अक्टूबर होगी या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है, यानी कि या फिर आपको अक्टूबर के आखिर में ये वाला जो शो देखने को मिलेगा या फिर नवंबर के अंदर फाइनली जो WWE है एक बार फिर से सऊदी अरेबिया जाएगी। यानी कि मे बी जो पेपर व्यू थोड़ा डामाडोल हो सकता है मे बी TLC ना उसकी जगह कोई और पेपर व्यू हो जाए। लेकिन हाँ भैया पेपर व्यू होना कन्फर्म है और इस साल की एंडिंग से पहले आपको सऊदी अरेबिया के अंदर WWE एक बार फिर से जाती हुई नजर आएगी। लेट्स सी इस बार कौन कौन से ड्रीम मैचेस यहाँ पर होते हुए नजर आते हैं। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भैया एक लौंडा कह रहा हूँ मैं, एक लौता जो हमारा रोमन है भैया दो दो टाइटल लिए घूम रहा है, इसलिए उनका मन किया उसोस भाई तुम दो मिलके दो टाइटल संभाल रहे हो, इसलिए जाओ मंडे नाइट रॉ के अंदर आरके ब्रो की टाइटल रहो और दोनों मिलके चार टाइटल संभालो। लेकिन रिसेंट टाइम इसको लेकर एक स्पेकुलेशन आती है सामने, बताया जा रहा है कि मे बी जो WWE है इसे ये भी हिंट कर रही है कि शायद जो उसोस और रोमन की टैग टीम है जो पूरी ब्लड लाइन का फैक्शन है वो काफी जल्दी ब्रेक होता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ जो इसके पीछे थ्योरी बताई जा रही है वो ये कि मान लो उसोस वर्सेस आरके ब्रो मैच होता है विनर बनेगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। रिसेंट टाइम में आरके ब्रो एक फैन फेवरेट टैग टीम बन चुकी है, रेसलमेनिया के अंदर कमाल की परफॉर्मेंस आई, वहां पर उन्होंने चैंपियनशिप को कर लिया रिटेन। तो भैया लगता नहीं है रेसलमेनिया के अंदर हलवा थोड़ी चैंपियनशिप को रिटेन करना, अगर वहां रिटेन किए तो जो चैंपियन है शायद एक लंबे टाइम तक टाइटल को होल्ड रखने वाला है। इसलिए बताया जा रहा है कि मे भी अगर उसोस हार जाते हैं भैया रैंडी ऑर्टन और रिडल से तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप टाइटल लाने की वजह हार जाते हो तो आप ट्राइबल चीफ को गुस्सा दिलाओगे, ट्राइबल चीफ को गुस्सा आएगा वो उसोस के ऊपर भड़केंगे और मैं बताया जा रहा है कि ये अल्टीमेटली जो चीज है वो लीड करेगी ब्लड लाइन के ब्रेकअप को लेकर। जब रोमन फिर अलग हो जाएंगे तो शायद जो रोमन रेंज है वो भी कुछ टाइम बाद अपनी चैंपियनशिप को हारते हुए नजर आएंगे और कुछ इस वे में जो WWE सारी चीजों को सॉर्ट आउट करती हुई नजर आएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पर दो मेथड हो सकते हैं, या फिर उसोस जाए आरके ब्रो की चैंपियनशिप ले जाए और जो हमारे पूरी टीम है ब्लड लाइन वाली इस सभी की सभी चैंपियनशिप को यूनिफाई करती हुई नजर आएगी, फिर उनमें से भाई एक फीमेल फैक्शन आ जाएगी वुमेंस की जो टाइटल है उसके पीछे भाग जाएगी, भैया मुझे वो भी यूनिफाई करनी है वो बात अलग है, या फिर भाई कुछ इस वे में जो आरके ब्रो हैं वो बन सकते हैं रीजन ब्लड लाइन के ब्रेकअप का। आपके हिसाब से किसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्या उसोस आरके ब्रो को हरा सकते हैं? पर्सनली मुझे ऐसा लगता है आरके ब्रो उसोस को हराएंगे और वो बनने वाले अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और भैया फिर जो रोमन का गुस्सा है हमारे वो देखना जरूर पड़ेगा हमारे ब्लड लाइन के बाकी दो मेंबर्स को। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी, टिल देन बाय बाय टेक केयर।